हेलो एंड वेलकम बैक टू अंधताज किचन। आज मेरे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं और जो गेस्ट आ रहे हैं उनकी वाइफ का बर्थडे है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उनके लिए केक बनाऊं, बट आई हैव एन आइडिया और मैं बनाने वाली हूँ झटपट से एक पेस्ट्री। यस, और वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो ये है हमारा सीजनल मैंगो पेस्ट्री एंड लेट्स बिगिन विद द रेसिपी। तो मैंगो पेस्ट्री बनाने के लिए चाहिए हमें ऑफकोर्स मैंगो, जिसको हम स्लाइसेस कर लेंगे। आइसक्रीम चाहिए, ये वेनिला आइसक्रीम है जो मैंने थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में ले आई हूँ। सो इट्स लाइक नाइस एंड आप देख सकते हैं इट्स मेल्टेड, राइट। हमें चाहिए है ब्रेड, सो मैंने 3 स्लाइस ब्रेड लिया है। सो हियर वी गो। एंड कॉर्नफ्लोर हमने 1 टेबलस्पून लिया है। थोड़ा सा नींबू मैं लूँगी इसमें का, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स। और लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं ये ब्रेड्स के साइड्स जो क्रस्ट है वो काट लूँगी। सो जस्ट टेक एवरीथिंग टुगेदर। सो ये हमारा 3 ब्रेड्स रेडी हो चुके हैं, इसे भी हम साइड में रखते हैं। अब हम नेक्स्ट मैंगो का स्लाइस कर लेंगे। सो ये हमने स्किन पहले हम निकाल लेते हैं। वाओ, व्हाट लवली मैंगो। ये मैंने केसर मैंगो लिया है, केसर का आम जो बहुत टेस्टी और रसीला होता है, खट्टा और मीठा दोनों होता है। सो हम इसका यूज़ करेंगे। इसका मैंने स्लाइस इस तरह से कर लेना है। सो यू कैन सी ये पतले पतले स्लाइसेस। सेम वे हम दूसरी साइड का भी कर लेंगे। सो हम दूसरी तरफ से भी हम इसकी स्लाइसेस कर लेंगे। पतले पतले स्लाइसेस भी हैं जो, वो भी कर लें। आपको ब्रेड के उसमें हमको स्प्रेड करना है। सो जस्ट टेक एवरीथिंग आउट इन स्लाइसेस। हमको इसमें से ही प्यूरी भी बनानी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब हम क्या करेंगे कि हमारी स्लाइसेस रेडी हो गई है मैंगो की। अब ब्रेड का स्लाइस लेके हम इसमें हमारे आइसक्रीम, जो हमारी घुली हुई आइसक्रीम है, उससे हमारे ब्रेड को सोक करेंगे। मैंने ये क्वार्टर प्लेट लिया है, अभी मैं प्रेजेंटेशन का प्लेट नहीं ले रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि ऐसे थोड़ा सा कर्व प्लेट हो तो हमारे सारे जो आइसक्रीम हैं और जो हम असेंबल करने वाले हैं तो वेस्ट ना जाए। इट शुड बी कॉम्पैक्ट, राइट। इसीलिए छोटे क्वार्टर प्लेट में ही इसे सेट करें। अब नेक्स्ट इज हमारा मैंगो के स्लाइसेस। सो ये मैंगो के स्लाइसेस इस तरह से रख दिए। फिर हम दूसरा स्लाइस लेंगे। दूसरे स्लाइस में दोनों तरफ हम आइसक्रीम लगाएंगे। ये हमने अंदर की तरफ डाल दिया। अब फिर से हम आइसक्रीम ऊपर की तरफ भी लगाएंगे। इस तरह से हमारा ये 2 लेयर्स रेडी हो चुका है और 3rd लेयर भी हमें लेना है, इसलिए हमने 3 स्लाइसेस ब्रेड की ली थी। फिर से हम मैंगो के स्लाइस लगा दें। और हमारा लास्ट स्लाइस, को भी उल्टा इस तरह से लगा दे और ऊपर से जो बचा हुआ आइसक्रीम है वो भी थोड़ा सा स्प्रेड कर दे। सबसे ऊपर वाला स्लाइस में बहुत कम
आइसक्रीम जाएगा क्योंकि खाली इसको सोक करना है, हम इस पर मैंगो प्यूरी लगाने वाले हैं। सो अब क्या करेंगे, इसे हम पहले फ्रोज़न कर देते हैं और जब तक ये थोड़ी देर फ्रॉस्ट होगा हम हमारी मैंगो की प्यूरी रेडी करते हैं। अब हम जो बचे हुए मैंगो के पीसेज हैं उसकी प्यूरी बना देंगे। इसका हम ग्लेज बनाएंगे प्यूरी के बाद। तो ग्लेज क्या है, हम लोग हमारे पेस्ट्री में कवर कर देंगे। बढ़िया सी मैंगो प्यूरी हो गई है रेडी और अब बारी है इसे ग्लेज करने की। अब नेक्स्ट हम एक बोल में एक टेबलस्पून बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और थोड़े से पानी में इसे घोल लेंगे। सो पानी हम 2 टेबलस्पून लेंगे और हमारे इसको अच्छे से घोल लेंगे। अच्छा सा एक स्लरी बन गया, उसे हम साइड में रखें। हमारे हीट को हम ऑन कर लें और ये हमारी जो प्यूरी है मैंगो प्यूरी, ये हम डाल लेंगे हमारे पैन में, सॉस पैन में। बहुत आसान है ये बनाना। थोड़ा सा पानी ताकि हमारा मैंगो प्यूरी जल ना जाए। सो ये जो चम्मच मैंने लिया है बड़ा, वो 1 चम्मच पानी और अच्छे से इसे बॉईल। आप देख सकते हैं कैसे अच्छे से बॉईल होना शुरू हो गया। अब इसी में हम डालेंगे हमारा स्लरी जो हमने 1 चम्मच घोल के रखा है। सो ये गया अंदर और अच्छे से चलाइए। जैसे ही डालेंगे वैसे ही ये थिक होना शुरू हो जाएगा, तो इसको चलाना ना भूलें। मैंगो हमारा बहुत मीठा और अच्छा है, इसलिए हमें इसमें शुगर डालने की भी ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट रेडी और हम बंद कर लेते हैं और थोड़ा सा नींबू, जस्ट अबाउट 2 to 3 drops और मिक्स कर लें। इससे एक बहुत अच्छा सा टैंगी फ्लेवर आएगा एंड दिस इज रेडी। हल्का सा रूम टेम्परेचर में आ जाए उसके बाद हम इसको हमारे मैंगो पेस्ट्री पे लगा देंगे। अब ये जो हमने पेस्ट्री फ्रोज़न करने के लिए रखी थी, अब इसके ऊपर हम लगाएंगे हमारा जो ये हमने ग्लेज बनाया है मैंगो का वो। तो इस तरह से हम हमारे ग्लेज को कवर कर लेंगे। तो आपके पैलेट नाइफ से या फिर कोई भी चम्मच से या चाकू से इसको लेवल कर ले अच्छे से। चारों तरफ से इसे हम पूरा कवर कर लेंगे। तरह से सारे तरफ को हम कवर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसे चारों तरफ से इसको अच्छे से कवर अप कर लिया है, राइट? एंड इट इज रेडी टू गो इन द फ्रीजर। आधे घंटे में ये हो जाएगा तैयार। तो ये हमारा फ्रोजन में से निकाल लिया है एंड हमारा मैंगो पेस्ट्री इज रेडी। हम क्या करेंगे, इसे हम निकालेंगे इस तरह से और हमारे चॉपिंग बोर्ड पे ले आते हैं। लुक एट दिस, इट्स सो नाइस एंड फ्रॉस्टेड। अब हम इसे कट करेंगे। सो हम ट्राइंगल शेप में कट करेंगे इसे और इसे गलने से पहले सर्व कर देना है। सो वापस से आप कट करके यू कैन ऑलवेज कीप इट इन द फ्रीज़र, आपकी फ्रोज़न उसमें आप वापस से रख दें ताकि जब आप सर्व करें तो आपका पूरा रेडी हो।
लुक एट दिस। बढ़िया सा पेस्ट्री रेडी। लुक एट दिस एंड इट्स रेडी टू सर्व। तो हमारा झटपट से रेडी हो गया है ये डेजर्ट, हमारा मैंगो पेस्ट्री। और मेहमान आने से पहले एक बार टेस्ट कर लेते हैं। सो या आई हैव मोर इन द फ्रिज। तो ये देखिए, इट इज़ सो यमी। इतना बढ़िया से इसका लेयर निकलता है एंड अमेजिंग। ठंडा है, स्वीट है, सॉफ्ट है एंड डिलिशियस। मेरे गेस्ट तो खुश होने वाले हैं। सो आप भी आपके किचन में ये मैंगो पेस्ट्री ट्राई करिए एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक इट। सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम गुड रेसिपी विद अ ट्विस्ट।